गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो आप सभी को मेरा सुप्रभात, प्रणाम, पहलाग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और 7:30 बजे हम यहाँ आ चुके थे हल लगाने, और एक खेत हमने हल लगा ही दिया है और अब दूसरे खेत में मेरे पापा हल लगा रहे हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग में यही दिखाता हूँ कि पहाड़ी हल क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है और कैसे लगाया जाता है और इससे क्या होता है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो दगड़ियों एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हल कैसे लगाया जाता है और उसके बाद मैं उसकी सारी डिटेल बताता हूँ कि मतलब एक कैसे बनता है और इससे क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलों के द्वारा मतलब खींचा जाता है और ये हल जो होता है ये लकड़ी से बनाया जाता है। और चलिए दगड़ियों कुछ इस प्रकार से हल लगाया जाता है। सबसे पहले दगड़ियों बता देता हूँ कि हल होता क्या है। तो हल मतलब लकड़ी से बनाया जाता है जिससे मतलब खेत को मतलब खोदने में काम आता है। तो बैलों की पीठ पर इसे रखा जाता है और गले में, और उसके बाद बैल उसे खींचते हैं तो वो मिट्टी उबाल देता है जिसके कारण मतलब बीज बोने में आसानी होती है और बीज सही से उग जाते हैं। तो दगड़ियों हल मतलब हल का काम रहता है जो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब घरों में, पहाड़ी में या कहीं भी अनाज बोया जाता है, फसल उगानी होती है तो हल लगाते हैं जिससे कि मतलब जो मिट्टी होती है वो उबल जाती है और उसके बाद बीज बोया जाता है और फिर उसके ऊपर से जोड़ा लगाया जाता है जो कि हल से लगता है और उसके बाद फसल उपजाऊ होती है। और मतलब फर्स्ट में हल लगाते हैं जिससे फसल की शुरुआत होती है। और अब बताते हैं देखने कि हल कैसे लगाते हैं। हल मतलब लकड़ी का होता है, उसे बैल के गले में डालते हैं और उसके बाद बैल खींचते हैं तो उस पर मतलब एक लोहे का रहता है जिसके कारण मतलब मिट्टी ऊपर आती है और ऐसे हल लगाते हैं। ये दिखाता हूँ कि हल कैसे लगाते हैं। तो दगड़े इस प्रकार से हल लगाया जाता है, बैल उसे खींचते हैं और जो हल्का निचोड़ा रहता है उससे मतलब मिट्टी ऊपर आती है। दगड़ियों जो आज का मौसम है ना बहुत ही मस्त लग रहा है, हल्के हल्के बादल छोटे छोटे और धूप भी आई गई है और बैकग्राउंड में हमारा गांव भी है। बता दो दगड़े अभी फ़िलहाल मतलब फर्स्ट बार हल लग रहा है और इसके बाद दोबारा जब मतलब कुछ दिनों बाद इसमें बीज बोया जाएगा और फिर से दोबारा इसमें हल लगाया जाएगा। तो अभी मतलब फर्स्ट पहली बार इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो मिट्टी होती है वो टाइट होती है और उसको मतलब थोड़ा उपजाऊ बनाने के लिए और बीज बोने लायक बनाने के लिए उसमें पहले एक बार हल लगाया जाता है जिससे कि फसल भी अच्छी होती है और आसानी भी होती है हल लगाने में। दगड़े इसमें बीज बोया जाएगा, जो वो बोया जाएगा गेहूँ का बीज और गेहूँ की खेती होगी इस बार। और उसके बाद जब गेहूँ कट जाते हैं तो उसके बाद मंडुआ को बोया जाता है और फिर मंडुआ को बोने के बाद फिर वो सार मतलब यानी कि खेती खाली रहती है लगभग काफ़ी टाइम के लिए और उसके बाद फिर से हल लगाया जाता है और उसमें फिर से गेहूँ उगाए जाते हैं। तो काफ़ी टाइम लगता है, मतलब एक साल में मतलब ये काम होता है। तो चलिए आगे दिखाता हूँ। दगड़ियों जो ऊपर का खेत है तो ये मैंने लगा दिया था और अब जो नीचे का खेत है इसे मेरे पापा लगा रहे हैं और धूप भी इतनी ख़तरनाक हो रही कि आंखें भी बंद हो रही। और जो मतलब आजकल तो स्कूल की छुट्टियां पड़ रखी है और आज मतलब प्राइमरी स्कूल खुल जाएगा और कल से जो इंटरमीडिएट है, इंटर कॉलेज, वो भी खुल जाएगा।
आप देख सकते हैं पहाड़ी कितना छोटा लड़का हल्ले जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ियों में कितनी ताकत होती है। तगड़े हल भी लग गया है और अब तगड़े आशा करता हूँ कि आप सभी को हल के बारे में पता चल ही गया होगा और इससे क्या होता है और ये क्या होता है ये सब कुछ पता चल गया होगा। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आया होगा तो कमेंट में जरूर बताएं और चलते हैं आगे। वो फाइनली दगड़े हल लगा लोगों के मैं आ गया हूँ और ये घर पे मैं आज हल ला गया हूँ क्योंकि हमारा हल हो गया है ख़त्म और अब उसमें मतलब बीज बोना है, तो वो होगा सोमवार से शायद, तो कुछ दिनों बाद शुरू होगा, तो वो तब तक ये घरे में रहेगा ताकि ये सड़े ना और ख़राब ना होए। दगड़ियों आशा करता हूँ कि आपको मेरे हल लगाने वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।